करने जा रहे हैं इसको लेकर? देखिए, पूरी तरीके से ये सरकार जानबूझकर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जहाँ तक जानकारी है कि एक बार पहले सर्वे वहाँ हो चुका था तो दोबारा वहाँ भेजने का कोई औचित्य नहीं था, और जानबूझकर ये पूरे प्रदेश के अंदर जो एक नफरत की राजनीति करना चाहती है भाजपा की सरकार, उसको इन्होंने जानबूझकर कल की जो घटना है पूरी सुनियोजित है और जानबूझकर की गई घटना है। अखिलेश यादव हूँ, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हूँ। मायावती भी कह रही न्यायिक जांच इसकी होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इस पे हिंदू मुस्लिम कराना चाह रही है। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ ना कि पूरी तरीके से समाज को बांटने की राजनीति हो रही है, नफरत की राजनीति हो रही है, और निश्चित तौर से माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश से इसकी न्यायिक जाँच हो, और इसमें निश्चित तौर से जो अधिकारी या जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आप लोग मौन धारण करने जा रहे हैं इसको लेकर, जिन लोग मिट्टी उसको लेकर आप लोग मौन धारण करने जा रहे हैं? बिल्कुल, हम उनको शोक संवेदना प्रकट करेंगे। आज गांधी जी की प्रतिमा के सामने, पूरे प्रदेश के अंदर महापुरुषों की मूर्ति के सामने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता 1 घंटे मौन धारण करेंगे और हाथ में काली पट्टी बनकर इसका विरोध करेंगे। वहाँ के सांसद हों, सांसद और विधायक के बेटे के ऊपर मामले में ये पूरी तरीके से ये भाजपा के लोग, ये पूरी भाजपा की सरकार लोगों को प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, और लोगों को निश्चित तौर से इसमें उनके खिलाफ जो है पूरी तरीके से ये भाजपा की सरकार नफरत की राजनीति कर रही है, इसका विरोध हम सब। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।